चलते हैं। साधुराम भिवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। सर ये मैंने IDFC बैंक के जो लिए थे अभी 6 महीने हो गए इसको समथिंग, अभी क्या इसको मैं एग्जिट कर लूं या बना रहूं अभी 2-3 महीने के लिए? 83 का रेट में लिया था ठीक है, थोड़ा नीचे आ चुका है और आपकी खरीदारी। हाँ जी 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 84 के आसपास लिया था आपने, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है ये स्टॉक और पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी है। आपको राय दिलवा देते हैं यहाँ पर दिलेश जी। IDFC फर्स्ट बैंक वैसे तो चला काफ़ी और हमने देखा कि 100 रुपये तक के भाव भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद वहाँ से थोड़ा करेक्शन आया और अब 77 पर ये स्टॉक आ चुका है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है फिलहाल इन्हें, लेकिन बने रहना चाहिए क्या तेज़ी के लिए? स्टॉक पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए स्टॉक को मैंने क्लाइंट्स को बोला है कि अगर ये स्टॉक 68 से लेके 70 इस रेंज में मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। तो आप भी एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 76 रुपीज का, और 76 रुपीज को ब्रेक डाउन कर देते तो यहाँ से मोमेंटम 68 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक फिर से 82-83 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर देता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, फिर स्टॉक 90 प्लस के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 76 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में एक लेवल जो होगा 80 से लेके 82 इस रेंज में अगर ये निकालता है तो बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह IDFC फर्स्ट बैंक पर। कुछ कोई और भी सवाल है आपका क्या साधुराम ये जी? उज्जवल स्मॉल का 206 रेंज में रहा है उसमें, उज्जवल स्मॉल बैंक 206। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये भी आपकी हाल फिलहाल की ही खरीद है। सौरभ जी इस पर आप क्या सलाह देंगे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी हाल फिलहाल ही इन्होंने लिया है और हल्के नुकसान में है, इस पर भी सलाह दीजिए और IDFC फर्स्ट बैंक पर भी आप राय दीजिए थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, क्योंकि खरीदारी इनकी भी हाल फिलहाल की है, फिलहाल ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन काफ़ी बार एक्सपर्ट इस स्टॉक को रिकमेंड किए हुए हैं, स्टॉक में शानदार तेज़ी भी आई, 100 रुपये के लेवल्स आए थे, थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये जो गिरावट में क्या कुछ कंसर्न है या फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक आप पॉजिटिव देख रहे हैं स्टॉक पर? देखिए बैंकिंग सेक्टर पर से ऐसे अच्छा लगता है, IDFC बैंक का काफी रीरेट हुआ था तो स्टॉक ने देखा 100 रुपए का भाव, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक में स्टॉक प्राइस में। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल ठीक मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स ऐसे भी अभी कुछ समय पे अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे बैंक्स नहीं चल रहे हैं अच्छा, आउटलुक अच्छा है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न इसलिए आ जाता है क्योंकि NPA लेवल थोड़ा सा इस बैंक का ज्यादा है, थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि वैल्यूएशन किस तरीके से बढ़ रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन के मद्देनजर देखेंगे तो बैंक ठीक लगता है, थोड़ा थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड बेट होगा ये, बट अगर आप समय ज्यादा देते हैं